इस फिल्म का नाम है लव शगुन और ये फिल्म रिलीज़ हो रही है 26 फरवरी में, जिसके अंदर जेडी का कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है, वो मैं निभा रहा हूँ। जेडी साउंड्स लाइक जैक डेनियल, लेकिन ये आदमी दारू नहीं पीता, तो बहुत ही मम्मज बॉय कैरेक्टर, विच इज़ वेरी कि मैं कहना चाहूँगा कि हर एक माँ का लाडला टाइप, बट लेकिन एक ऐसा आदमी जो शायद हर एक को खुश रखना चाहता है, हर एक की बात पे अमल करना चाहता है, कोई अपनी अपनी समस्या का एक को सॉल्यूशन देते हैं, तो हर एक की बात, हाँ शायद ऐसा ठीक रहेगा, हाँ नहीं आई थिंक ये भी ठीक रहेगा, हर कोई अपनी तरफ से, जो इसके दोस्त हैं, इसके तीन और दोस्त हैं, तो ये चार दोस्त अलग अलग तरह की वैरायटी हैं टोटली, और जैसे आप स्नैक्स देखते हैं ना, अलग अलग तरह के फ्लेवर होते हैं, तो सब अपनी जगह अलग अलग फ्लेवर हैं, हर कोई अपने अपने सॉल्यूशन बताता है, लेकिन उन सॉल्यूशन में ये अमल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें और उलझ जाता है, कुछ चीज़ें और लोग भी बोलते हैं, तो ही इज़ वेरी नाइव पर्सन, जो ये कहना चाहूँगा कि मतलब लोगों की बातों को समझता है, और वो समझने में फंस जाता है कि अब मैं चलो ये भी करके देख लेता हूँ, तो वो सब कुछ डालने से खिचड़ी बन जाती है, जो खिचड़ी उसकी ज़िंदगी बन जाती है, तो कुछ ऐसा है। ये फिल्म संदेश नायक जी ने की है। संदेश जी ने सबसे पहली चीज़ यह है कि मेरे लिए, क्योंकि आई एम मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स एक्टर, मैं टेक्निकल एक्टर नहीं हूँ, मैं मोस्टली, मेरे लिए शिप का जो कैप्टन होता है, कप्तान, अगर वो मेरे से खुश है, मेरी परफॉर्मेंस से खुश है, तो मेरे लिए आधा काम पूरा हो जाता है। मुझे फिल्म कैसी निकलती है, क्या उसके रिव्यूज़ आते हैं, और क्या उसके लोगों को पसंद आती है, क्या नहीं आती, लेकिन वो एक सेकेंडरी है मेरे लिए। पहली चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है कि माई मेंटर, माई पर्सन हुज़ बिन देयर, जो एक एज अ डायरेक्टर वहाँ पर है पोजिशन पर, ही हैज़ टू बी कन्विंस्ड अबाउट कि मैं अपना कैरेक्टर सही निभा रहा हूँ या नहीं निभा रहा। उस चीज़ में मैं कहना चाहूँगा, आई थिंक संदेश जी हैज़ गिवन द फ्रीडम टू ऑल ऑफ अस टू परफॉर्म द वे वी वॉन्ट टू, और उसके बाद वो उस रेंज को ठीक करते थे। तो इनिशियली मुझे भी शायद ऐसा लगा कि जैसे आप किसी नई टीम से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक वक्त लगता है समझने में उन्हें, तो आई थिंक इनिशियली मुझे भी ऐसा लगा, शायद थोड़ा मुझे लगा कि मे बी ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा, शायद ये नहीं हो पाएगा, कुछ यहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो मैं उस डर में था, लेकिन आई थिंक इट वेंट वेरी स्मूथ मेरे लिए। आई थिंक आई वुड से कि हर एक सीन के लिए जितना खुश मैं हुआ कि उनसे पूछ के सवाल, उतना वो मुझसे परेशान हो गए कि हर एक बात पे ये मोटिवेशन और सवाल पूछता है, हर एक कैरेक्टर में ये जानना चाहता है कि ये ऐसे क्यों हुआ था, ऐसे क्यों हुआ था, तो आई बिहेव लाइक अ चाइल्ड ऑन द सेट कि आप मुझे ये भी बताओ ये क्यों है, ये थॉट क्यों आ रही है उसके दिमाग में, ये कैरेक्टर ऐसा क्यों सोच रहा है, तो कई जगह वो परेशान हुए, लेकिन उन्होंने जवाब हर बार दिया मुझे। कई बार बहुत मुश्किल भी होता है ना एज ए राइटर, कितनी सारी चीज़ों को संभालना, सब चीज़ों को टेबल पर रख के, कभी किसी आर्ट वाले ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ बोला, कुछ चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, पूरा टीम वर्क होता है, लेकिन ही इज़ द वन हु इज़ होल्डिंग एवरीथिंग, तो इन बिटवीन दैट ही ट्राइड टू मैनेज मेरे सवाल के जवाब भी, और तो आई थिंक मेरी परफॉर्मेंस में बहुत हद तक हाथ एक डायरेक्टर का ही है और किसी का नहीं है, क्योंकि मैं एक साफ एक पेपर हूँ, प्लेन पेपर। अब आप एक एक्टर को होना भी ऐसे चाहिए आई फील कि उसे ब्लैंक पेज होना चाहिए, और एक डायरेक्टर ही उसमें लिख सकता है कि इसको किस तरीके से मैं होल्ड करके उस तरह की परफॉर्मेंस करवाऊँ, कि चाहे तो मैं इसकी फोल्ड करके इसको बोर्ड बना दूँ, चाहे मैं इसको फोल्ड करके डक बना दूँ, वो डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो मुझे लगता है कि आई फील, मेरी ओपिनियन के हिसाब से, कि एक डायरेक्टर ही, ऑफकोर्स मेजर पॉइंट टीम के अंदर सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है, जो एक फिल्म को स्टोरी टेलिंग उसकी, और जो आपके थ्रू लोगों को उस कैरेक्टर के बारे में बताता है। हाँ, मुझे जो कहा जाएगा मैं वो करूँगा अपनी तरफ से, लेकिन मुझे वो कहने वाला भी चाहिए। आई थिंक मुझे हर एक सीन में ही ये लगा कि मैं शायद इसे बेटर कर सकता था, और हमारे डायरेक्टर साहब का एक पर डायलॉग ये था कि ये बेहतर है लेकिन इससे बेहतर हो सकता है, तो आई थिंक वो पेट एक अपना हमारा डायलॉग जो हर रोज यूज होता था। या आई थिंक हर एक सीन में, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू द एक्टिंग पार्ट, एक परफॉर्मेंस कितनी भी रेंज में और कितने ही डिफरेंट वे से की जा सकती है,
और कौन सा एप्रोप्रिएट है एज कैरेक्टर उसकी स्टोरी टेलिंग के लिए, वो डायरेक्टर के विजन के हिसाब से। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जब मुझे डायरेक्टर अपने विजन से समझा दें, कन्विंस कर दें, मैं आराम से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो हर एक इंसिडेंट में ऐसा हुआ था, हर एक परफॉर्मेंस में ऐसा हुआ था कि मैंने हर बार कुछ किया तो मैंने हर बार पूछा कि हाँ ये ठीक है। सो इवन इफ यू वुड से कि हाँ अच्छा था, तो मैं बिलीव नहीं करता था, मुझे लगता था कि शायद इससे और अच्छा हो सकता है। तो मेरा भी इंस्टिंक्ट था कि शायद इससे और अच्छा हो सके, लेकिन एक लिमिटेशन होती है ना, जैसे आप फिल्म के लिए एक प्रॉपर बजट लेके चलते हैं, कुछ दिन लेके चलते हैं कि ये 45 दिन के अंदर ये स्केड है हमारा, इसके अंदर हमें कंप्लीट करना है। तो कुछ चीज़ें आपको उसी लिमिट पे छोड़नी पड़ती है जहाँ पर वो हमने परफॉर्म किया होता है। कई बार वो कुछ लिमिटेशन ये भी होती है कि अगर आधे घंटे के लिए ये पर्टिकुलर लोकेशन हमारे पास है तो हमारे पास सिर्फ इतने ही टेक लेने के लिए हैं, तो व्हाट द बेस्ट यू कैन डू यू डू इट इन दैट। सो आई थिंक हाँ कई बार ऐसा हुआ उन लिमिटेशंस की वजह से, नहीं तो ही हैड गिवन अस फुल लिबर्टी टू परफॉर्म द बेस्ट वी कैन एंड टेक्स जितने लेने चाहो ले सकते हैं। लेकिन आई थिंक वो लिमिटेशन एक हद तक आप मैकेनिकल भी हो सकते हैं, बार बार रिपीट कर रहे थे। आई वुड से मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मली लोग जो परफॉर्म करते हैं एज एन एक्टर, जब आपको स्क्रिप्ट दी जाती है तो आप एक अज्यूम करते हैं स्टोरी ऐसी है, फिर डायरेक्टर्स में कुछ करेक्शंस करते हैं कि ये शायद ये आप जो सोच रहे हैं ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ये ऐसा नहीं है, देन उसको उस मोल्ड में लाना पड़ता है। फिर आप जब लोकेशन पे पहुंचते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि अरे मैं जो सोच रहा था कि ये 10 स्टेप लेके मैं घर के वहाँ से वहाँ राउंड मारूंगा, वो एक्चुअली 5 स्टेप थे, वो स्टेप कम हो गए हैं क्योंकि लोकेशन वैसी नहीं थी जो मैं अज्यूम कर रहा था। तो फिर आपको उस हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है कि 5 स्टेप में ही आपको उन डायलॉग को बोलना पड़ता है। इट्स इंपॉर्टेंट एक्टिंग परफॉर्मेंसेज बहुत सी चीज़ों में नेचुरल, क्योंकि हम हमेशा नेचुरल परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो आसपास जो आपको उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, उसको कहते हैं कि इम्प्रूव करना पड़ता है ऑन द सेट। बहुत से डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइजेशन होती है ऑन द सेट, हमारी भी हुई थी बहुत जगह पे। शायद मुझे लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो डायलॉग, मैंने नहीं बोला, नेचुरली ऐसा है। तो कहीं जगह पे आई थिंक अगेन आई वुड से कि डायरेक्टर इफ़ ही इज़ कन्विंस एज पर द कैरेक्टर, तो उसके लिए वो डायलॉग ज़रूरी नहीं है। डायलॉग हमेशा एक कैसे कहें कि एक लंगड़ी की बैसाखी होती है। बैसाखी इसलिए कि वही चीज़ बिना बोले भी इमोट की जा सकती है। और अब इस बात मुझे वो याद आता है सलमान की फिल्म के अंदर जब एंड में कमल हसन जी ने एक परफॉर्म किया था, उसमें कोई डायलॉग नहीं था लेकिन उसकी एंडिंग इतनी प्यारी थी कि वो आज तक याद रहती है। हमारे पास भी द आर्टिस्ट काइंड ऑफ फिल्म एक थी जो किसी ने याद नहीं की, लोगों ने आर्टिस्ट को बड़ा अप्रिशिएट किया था कि ऑस्कर मिले हैं तो ये हुआ, लेकिन हमने कभी मुड़ के ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ भी पुष्पक बनी थी। तो लैंग्वेज इज़ सेकेंडरी, अगर आप परफॉर्म कर सके बिना लैंग्वेज तो भी इट कैन वर्क आउट। ज़रूरत नहीं है कि आपको बोलना ही पड़े, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ बोलिए। तो अगेन आई कम बैक टू द सेम थिंग कि स्क्रिप्ट ये सब पढ़ने के बाद जो आप सोचते हैं उन चीज़ों को चेंज होता है, सिचुएशनली चेंज होता है, सेट के हिसाब से चेंज होता है, लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है, वो सब करने के बाद मैं हर एक चीज़ को सबसे पहले अपने से खुद से शुरू करता था कि मैं अगर ये कैरेक्टर होता तो मैं क्या करता, मैं कितना तेज़ बोलता, कितना क्या शब्द बोलता भी या नहीं बोलता हो, उसके बाद बाकी चीज़ें उसमें एलिमेंट डाले जाते हैं। इट्स लाइक आप सब्ज़ी बनाते हैं, आप पनीर पहले बनाते हैं उसमें फिर सब्ज़ियाँ डालते हैं, अलग अलग शिमला मिर्च डलती है, ये सब डलता है, वो सब डलता है, तो वो ऊपर से फ्लेवर डलता है, सीजनिंग होती है, तो वो चीज़ें डलने के बाद फिर वो परफेक्ट बनता है। लेकिन उसका बेस कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से होती है जो मेरी थॉट थी, उन चीज़ों को फिर बदला जाता है, ऊपर से लेयरिंग उसकी चेंज की जाती है, ये सब किया जाता है। आई थिंक कहीं ऑफकोर्स वो कैरेक्टर जिया जाता है, मेरे मन में हमेशा वो कैरेक्टर जिया गया है, आई हैव लिव्ड दैट कैरेक्टर। समवेयर मैं ये कहूँगा कि जेडी कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं सिर्फ जेडी में और मुझ में एक चीज़ मिलती है, वो उसकी सोल, बाकी कुछ नहीं मिलता।
ना उसकी लुक मिलती है, ना उसके कपड़े पहनने का ढंग मिलता है, ना उसका तौर तरीका मिलता है, ना उसका बोलचाल का तरीका मिलता है, लेकिन कहीं सिर्फ एक चीज़ मिलती है, वो है सोल। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा शायद था, कहीं ना कहीं मैं भी अपना माँ का दुलारा हूँ, मोस्टली लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो जो एलिमेंट्स मेरे दिमाग में हैं वो उसमें हैं, वो मैं ही हूँ, लेकिन कपड़े वो नहीं हैं, वो सिर्फ एक सोल है जो कनेक्टेड है बस, और कुछ कनेक्टेड नहीं है। मैं नसीरुद्दीन शाह को जी को मानता हूँ और कमल हसन जी जो हैं उनको मानता हूँ अपना आइडल, हमेशा से मानता आया हूँ। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि नसीर साहब के साथ मैं काम कर सकूँ कभी। उसका एक रीज़न यहाँ भी शुरू हुआ था कि कहीं ना कहीं माय फादर यूज़ टू हैड अ फेस स्ट्रक्चर एंड यूज़ टू लुक लाइक नसीर साहब, तो मैं उनको देखता था और कई मैंने उनकी फिल्में बहुत देखी हैं। तो आई थिंक मैं हमेशा से आई थिंक इफ गिवन अ चॉइस टू बी अ स्टार और टू बी एन एक्टर, आई वुड प्रेफर टू बी एन एक्टर देन बीइंग अ स्टार, क्योंकि मेरे लिए वो एक सेटिस्फैक्शन है। तो आई थिंक उस चीज़ में सबसे बड़ी महारत उन्होंने हासिल की है, तो इसलिए जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में कभी लव शिप जैसी सिचुएशन आपने फेस की है, अपनी लव लाइफ में कुछ ऐसे फेस किया हो कि आपको लगा हो कि? हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में मोस्टली लव शगुन जैसी सिचुएशन फेस की है, मोस्टली ऐसे कि ये लड़का एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, तो मेरी मॉम ने मुझे 3-4 अंगूठियाँ दी थी हाथ में डालने के लिए जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, और हर एक माँ करती है कि अपने बेटे के लिए कि अरे मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो कम से कम ये अंगूठियाँ डाल ले तो शायद तेरा काम बन जाएगा, ज़िंदगी तेरी सफल हो जाएगी, हो जाएगा। फिर शादी करने के लिए भी अंगूठी दी कि अंगूठी शादी हो जाएगी, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो मैंने एक शूट में घुमा दी थी, तो कुछ ही हुआ था, लेकिन फिर मुझे मिल गई थी मेरी मॉम से। सो आई थिंक वो एक हमेशा से आई कैन रिलेट, इनफैक्ट एवरी सीन जब भी मैंने सीन्स किए, तो सिंस आई हैव लर्न्ड मेथड एक्टिंग कोर्स मैंने किया था नीस्ट स्ट्रासबर्ग से, और मुझे कहीं ना कहीं ये सिखाया गया था कि कुछ भी एलिमेंट, कोई भी चीज़ आपको जो आपके सीन में हेल्प कर सके, आप उसको एक बार दोहराएं इन द मॉर्निंग। मैंने कुछ सॉन्ग्स मेरे पास हैं जिनको मैं सुनता हूँ मॉर्निंग में, पहले मैं सीन्स का देखता हूँ कि सीन्स कैसे, किस तरह के सीन्स लाइंड अप है, सो अकॉर्डिंगली आई लिसन टू द सॉन्ग्स, और वो सॉन्ग्स मुझे ट्रिगर करते हैं। इफ़ इवन इफ इट्स सपोज टू बी इमोशनल सीक्वेंस हो या कोई हंसी मजाक का सीक्वेंस है, तो मैं इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट मूड इन मी। कहीं ना कहीं यस, मेरे वो जितने भी सॉन्ग्स हैं, वो जितने भी मेमरीज हैं, वो मेरी खुद की पर्सनल मेमरीज हैं। तो हाँ, लव शगुन की जैसी सिचुएशन मेरी लाइफ में कई बार घटी है, और मोस्टली उसके कई जगह जो सीन्स हैं वो मेरे खुद के निजी सीन्स में से भी कुछ है। और कई बार मरतफ़ा आपके साथ होता ही है कि सबके साथ हुआ होगा कि आप कई बार लड़की से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते, कई बार आपको कन्फ्यूजन होती है कि यार मुझे ये प्यार था या क्या था, मुझे वाकई उससे प्यार है पता नहीं। तो कई बार ऐसे लगता है कि यार मुझे बहुत प्यार है, यार उससे मुझे बहुत प्यार है, लेकिन एंड में आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ टाइम के बाद कि शायद ये नहीं था, शायद ये कुछ और था, शायद एक लगाव था, या शायद ये सिचुएशनली ऐसा था कि मैं उसके साथ था कुछ टाइम के लिए तो मुझे शायद प्यार हो गया था। तो ये कन्फ्यूजन, वो कश्मकश एक हमेशा माइंड में रहती है। सो थिंकिंग दैट, ऑफ कोर्स वो सिचुएशन तो आपकी ज़िंदगी में भी आई होंगी और मेरी ज़िंदगी में भी आई हैं, तो उनसे रिलेट करके मैंने सारे सीन्स किए हैं। अनुज जी, आपसे आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि व्यूअर्स को आप क्या बताएं, क्यों देखें ये फिल्म लग शगुन, कितनी अलग होगी? ऑब्वियसली हर हर टीम अपनी फिल्म की बात जाहिर करती है कि आपकी फिल्म कैसे अलग है, क्यों देखें? मैं इसलिए कहना चाहूँगा मोस्टली लोगों को, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे फैंस हैं, जिन्होंने मुझे ऑलरेडी देखा है टीवी के अंदर परफॉर्म करते हुए, आई एम श्योर वो ऑफकोर्स ये बात जानते होंगे कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हटके है जी मेरी फिल्म, आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा मुझे किसी मिस्टर चौबे को बुला के कोई पब्लिसिटी स्टंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी भी इंसान के साथ कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं करना पड़ेगा कि मुझे कहना पड़ेगा कि मेरी फिल्म बहुत अलग है, मेरा प्रोडक्ट मेरी फिल्म खुद कहेगी। सो आई थिंक आप जाके देखिए, ट्राई कीजिए इस बात को, इस फिल्म को देखिए, और आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपको रिलेट ज़रूर होगा अपनी ज़िंदगी से। इट्स अ रॉम कॉम, अगर एक इंसान 300 रुपये एक टिकट के भरता है या 350 रुपये टिकट के भरता है और पॉपकॉर्न के 500 रुपये भर के आता है दो लोगों के साथ, तो
1500 रुपये खर्च हो जाते हैं, इन 1500 रुपये खर्च करने के बाद आपको दुख नहीं होगा कि आपने फिल्म देखी है, आप ज़रूर खुशी खुशी बाहर निकलेंगे, इस बात का मैं आपको वादा करता हूँ। चाहेंगे आपकी फिल्म जो है लव शगुन ने आपके करियर का माइलस्टोन साबित हो और आपको इसके जरिए बहुत सारा काम मिले और हम आपको तरह तरह के रोल्स में देख पाएँ। थैंक यू सो मच।